हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक इमेज स्लाइडर कैसे बना सकते हैं बिना कोडिंग किए। हमने यहाँ पे गूगल ओपन किया हुआ है। हम यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज स्लाइडर मेकर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वेबसाइट है imageslidermaker.com। हम इसे ओपन करते हैं और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड नाउ। हमारे यहाँ पे इमेज स्लाइडर मेकर का इंटरफेस ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे स्लाइडर का एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे खुद की इमेजेस, खुद का कैप्शन ऐड कर सकते हैं और खुद के इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे इमेजेस अपलोड करेंगे, जो इमेजेस हमने यहाँ पे यूज करनी है। हम यहाँ पे चार इमेजेस अपलोड कर लेंगे। हमारी यहाँ पे इमेजेस अपलोड हो रही है। हमारी यहाँ पे इमेजेस अपलोड हो गई है। हम यहाँ पे पहली स्लाइड के लिए इस इमेज को यूज करेंगे और दूसरी स्लाइड के लिए हम इस इमेज को यूज करेंगे, तीसरी स्लाइड के लिए हम इस इमेज को यूज करेंगे। हम यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी मर्जी स्लाइड्स बना सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन स्लाइड्स हैं। हम यहाँ पे अगर एक और स्लाइड बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और स्लाइड क्रिएट हो चुकी है। फोर्थ स्लाइड के लिए हम यहाँ पे इस इमेज को यूज करेंगे। हमारी यहाँ पे चार इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे इन कैप्शंस की सेटिंग कैसे करनी है। ये देखिए, जैसे ये कैप्शन है, आप इसे ऑफ कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। अगर आपको कैप्शन का किसी भी इमेज पे यूज करना है या नहीं करना है, आप यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कैप्शन चाहिए तो हम यहाँ पे इसको ऑन रहने देंगे। और ये हमारी उन कैप्शन की एनिमेशन सेटिंग है, जैसे स्लाइड है, जूम इन है। जब हम यहाँ पे स्लाइड करेंगे, ये देखिए, तो ये जूम इन इफेक्ट आया। अगर हम यहाँ पे स्लाइड वाला सेलेक्ट करेंगे तो स्लाइड होगा, और अगर हम इसको करेंगे तो ये एकदम से शो हो जाता है। हम यहाँ पे स्लाइड इफेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे आप एनिमेशन डिले कर सकते हैं। हम इसको नॉर्मल ही रहने देंगे जीरो पे। और आप यहाँ पे कुछ भी कैप्शन डाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे वेबदेव क्रिएशंस, और हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लाटो, हम यहाँ पे लाटो यूज करेंगे। आप कोई इतनी सारी यहाँ पे फॉन्ट फैमिलीज है, कोई भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे नॉर्मल साइज ही रहने देंगे। फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैप्शन की बैकग्राउंड पे एक स्क्वायर है, उसके जो बॉर्डर्स है वो राउंडेड है। उसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो बॉर्डर रेडियस इंक्रीज हो जाता है, इस पे क्लिक करते हैं तो बॉर्डर रेडियस कम हो जाता है, और इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा बॉर्डर रेडियस रिमूव हो जाता है और चारों तरफ से एकदम बॉर्डर रेडियस शो नहीं होता। हम बॉर्डर रेडियस नहीं चाहते तो हम इसको ऐसा ही रखेंगे। यहाँ से आप कैप्शन की सेटिंग कर सकते हैं कि आप कैप्शन को कहाँ पे रखना चाहते हैं, उसकी पोजीशनिंग सेट कर सकते हैं एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। हम इसको सेंटर में रख लेते हैं।
आप अपने हिसाब से यहाँ पे पोजिशनिंग रख सकते हैं, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को यूज कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैप्शन के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है वो ब्लैक कलर है बट उस पर थोड़ी ओपेसिटी है, कि देखिए अब ये एकदम ब्लैक हो गया, ओपेसिटी आ गई, अब और भी ज्यादा ओपेसिटी आ गई, बट हम यहाँ पे नॉर्मल यूज करेंगे। आप यहाँ से इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं बट हम इसको बॉर्डर नहीं देंगे। आप इस कैप्शन को यहाँ पे एज अ लिंक भी यूज कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लिंक डालने का बॉक्स अपीयर होता है, आप यहाँ पे कोई भी लिंक डाल सकते हैं, तो जब हम क्लिक करेंगे इस पे कैप्शन पे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा, बट हम यहाँ पे ये नहीं यूज करेंगे। आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाइट हो जाता है और हमारा कैप्शन का कलर ब्लैक हो जाता है, बट हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। सो ये सब है हमारी फॉन्ट की सेटिंग्स। यहाँ पे आप और भी कैप्शन ऐड कर सकते हैं, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे जाके ऑन कर रहा हूँ तो और भी कैप्शन आ रही है, आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं, इनकी पोजिशनिंग की सेटिंग करके इसको कहीं भी रख सकते हैं, बट हमें यहाँ पे एक ही चाहिए तो मैंने ऑफ कर देता हूँ। आप ऐसे ही जैसे मैंने इसकी सेटिंग की है आप दूसरी स्लाइड पे जाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं, ये देखिए। सो मैंने आपको एक स्लाइड पे करके बताया था, इस वाली स्लाइड पे आप ऐसे ही बाकी वाली स्लाइड पे भी कर सकते हैं, जस्ट आपने क्या करना है, बस स्लाइड पे जाना है और यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसकी सेटिंग खुल जाएगी, आपने उन सेटिंग को यूज करना है। सो हमारी इस सेटिंग्स के बाद बारी आती है डायमेंशंस की। अगर आप इस आर पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि ये स्लाइड हमारा रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है, ये हमारा मोबाइल में भी अच्छे से शो करेगा और बाकी डिवाइसेस में भी। आप यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे हाइट कर देते हैं 50% और विड्थ हम यहाँ पे कर देंगे 1200, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्लाइडर है वो साइडों से थोड़ा राउंड है, बट हमें ये राउंड नहीं चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको राउंड चाहिए तो आप ये ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे राउंड नहीं यूज करूंगा। यहाँ पे आप ट्रांजिशंस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्लाइड इफेक्ट हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पे फेड इफेक्ट भी है, ये देखिए, और यहाँ पे जूम इन इफेक्ट भी है, ये देखिए, जूम इन प्लस फेड इफेक्ट एक साथ वर्क करता है, बट हम यहाँ पे स्लाइड इफेक्ट ही रखेंगे। यहाँ पे आप स्लाइडर को प्ले वंस या लूप में भी डाल सकते हैं कि हमारा जो स्लाइडर है वो खुद चलता रहे या हम मैन्युअली चलाए इसको, या ये एक बार चले और रुक जाए, इसकी सेटिंग यहाँ पे है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइडर हमारा चौथी स्लाइड पे आके रुक जाएगा, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये प्ले वंस एंड रिवाइंड, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा लूप की हमारा स्लाइडर ऑटोमेटिकली खुद ही चलता रहेगा, बट हम यहाँ पे मैनुअल यूज करेंगे कि हम यहाँ पे खुद चेंज करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इफेक्ट्स हैं, हम यहाँ पे इफेक्ट अभी हटा देते हैं, ये इफेक्ट है कि जब हम इमेज चेंज करें तो उसके बाद कौन सा इफेक्ट परफॉर्म हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जूम इन इफेक्ट है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, इमेज चेंज हुई और यहाँ पे जूम इन इफेक्ट आ रहा है, वैसे ही हमारा ये इफेक्ट है जूम एंड रोटेट, ये जूम हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है, ये देखिए जूम हो रहा है एंड रोटेट भी हो रहा है। सो ये है हमारी ट्रांजिशन सेटिंग्स। ट्रांजिशन सेटिंग्स के बाद हम यहाँ पे आते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बटन पे। सो हम यहाँ पे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बटन को
ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि जब हम माउस लेकर जाए तभी ये शो हो, तो हम इस वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। ये देखिए, जब हम स्लाइडर पे माउस लेके जाते हैं तभी हमारे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बटन शो होते हैं, ये देखिए। और अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बटन शो नहीं होंगे। सो हम इसको शो करवा देते हैं, चाहे हम माउस लेके जाए ना लेके जाए, बट हमारे बटन्स शो हो। यहाँ पे हम बटन्स की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये देखिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये आइकन रखेंगे और हम इसको थोड़ा वाइट रहने देंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं रेडियो बटन्स पे। यहाँ पे हम रेडियो बटन्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये देखिए, और हम उनके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर हमारी इमेजेस भी शो होंगी, ये देखिए, ठीक है। बट हम यहाँ पे नॉर्मल यूज करेंगे और हम यहाँ पे सर्कल यूज करेंगे। आप यहाँ पे स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं और उन स्क्वायर पे थोड़ा रेडियस भी लगा सकते हैं और यहाँ पे सर्कल भी यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे सर्कल को यूज करेंगे। और यहाँ पे आप रेडियो बटन्स की पोजीशनिंग भी सेट कर सकते हैं, ये देखिए राइट लाइन, ये लेफ्ट लाइन और ये सेंटर। हम इसे सेंटर में ही रहने देंगे। यहाँ से आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं और इनको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं कि जिस पे भी हम क्लिक करें वो पूरा ब्लैक हो जाए और बाकी जो हमारे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये देखिए। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला ब्लैक वाला, भी जो सी साइड पे हम हैं वो ब्लैक रहे, बाकी जो हमारे रेडियो बटन्स हैं वो थोड़े ट्रांसपेरेंट रहे। सो ये हमारी कुछ सेटिंग्स हैं, आप इनको खुद एक बार यूज कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इस स्लाइडर को अपनी वेबसाइट में यूज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे डाउनलोड जिप और डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो गया। हम इसे ओपन करते हैं शो इन फोल्डर। हमारे यहाँ पे ये रहा, हम इसको कट करते हैं और इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेते हैं। हम इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये देखिए हमारे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको वेबसाइट में कैसे यूज कर सकते हैं। हम इसे ओपन करते हैं, मैं आपको पहले ये ओपन करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल वाला। ये हमारा स्लाइडर होगा जो हमने क्रिएट किया है, ये देखिए, ये रहा हमारा स्लाइडर। सो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसी स्लाइडर को अपनी वेबसाइट में कैसे यूज कर सकते हैं। आप रीडमी को ओपन करेंगे, ठीक है। आपने इस कोड को कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आपको इमेज स्लाइडर की जरूरत है वहां पे आपने इस कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने ISM फोल्डर को अपनी वेबसाइट वाले फोल्डर के अंदर डाल देना है। बस आपको यही काम करना है, आपका स्लाइडर चल पड़ेगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही।